नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम मेजर एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत वाटर का डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने मेजर एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत टेम्परेचर का स्टडी कर लिया था, आज हम वाटर का अध्ययन करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वाटर जो है एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्परेचर के बाद आने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक जो होता है वाटर है। टेम्परेचर के बाद सबसे महत्वपूर्ण कारक वाटर है। वास्तव में अगर हम बात करें, पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा है और बिना पानी के हम अब इसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता है बिना पानी के। और जब मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल में इनकी जो इतनी सीमित मात्रा होती है मरुस्थल में कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण यहाँ पर रहना संभव है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सभी लोग जानते हैं कि मरुस्थल में पानी की उपलब्धता जो है बहुत सीमित है और केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही वहाँ पर रहना संभव होता है। ठीक है, पादपों की जो पेड़ पौधे हैं उनकी उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत निर्भर करता है, यानी कि पेड़ पौधे हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है और उनकी जो वहाँ पाया जाना और उनका जो अडेप्टेशन होता है वो बहुत ही वातावरण जो पानी के वितरण पर ही अधिक से अधिक निर्भर करता है। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि महासागरों में, झीलों में, नदियों में रहने वाले जीवों को जल संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा, तो ये सोचना सच नहीं है। जो जलीय जीवों के लिए जल की जो गुणता होती है, जल की जो क्वालिटी होती है, जैसे कि रासायनिक संगठन है, पीएच है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन और पीएच जो होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस काम के लिए कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो महासागरों में, झीलों में, नदियों में रह रहे हैं। तो जो दो क्वालिटी होती हैं जो बताया हमने, जो दो क्वालिटी हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन और पीएच वैल्यू जो होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इन सभी कामों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साल्ट कंसंट्रेशन की, जो साल्ट कंसंट्रेशन की यानी कि लवण की सांद्रता की बात करते हैं, तो जो प्रति हजार में यानी प्रति हजार भाग में लवणता के रूप में यह मापी गई है, मीजर्ड एज ए सैलिनिटी, एनसीईआरटी की लाइन है, मीजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड्स में इसको मीजर्ड किया गया है। देखिए लेस देन 5% जो होता है, लेस देन 5% जो इनलैंड वाटर में है, ठीक है, यानी अंतःस्थलीय जो जल होता है उसमें पाँच से कम होता है, ठीक है, पाँच से कम होता है, जो प्रति 1000 में लवणता जो नापी गई है वो पाँच से कम किस में होता है, अंतःस्थलीय जल होता है, इनलैंड वाटर जो होता है। फिर इसके बाद देखिए 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 जो होती है वो यहाँ पे 30 से 35% की बात करते हैं, वो कहाँ पर होती है, सी, ठीक है, यानी समुद्र में 30 से 35, और कुछ अति लवणीय जो स्थान होते हैं, लगूनस होते हैं, यानी कि जो लगूनस हैं मोस्टम हाइपर सेलाइन लगूनस जो होते हैं उनमें 100% से अधिक, ठीक है, उनमें क्या होता है 100 से अधिक लवणता पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है 100% से अधिक जो हाइपर सेलाइन लगूनस होते हैं उनमें ये पाई जाती है लवणता। सम ऑर्गेनिजम्स आर टोलरेट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, यानी कि कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम यूरो एलाइंस बोलते हैं, और नैरो रेंज जो होती है उसको स्टीनो एलाइन बोलते हैं। चलिए ये दो पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेट ए वाइड रेंज, सम हाइपर सैलून लैगूनस, ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेट ए वाइड रेंज सैलिनिटी यूरो एलाइन, ठीक है, वाइड रेंज क्या हो जाएगा यूरो एलाइंस, नैरो रेंज क्या हो जाएगा स्टीनो एलाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जीव लवणता के व्यापक परास के प्रति जो सहनशील होते हैं उनको हम यूरो हेलाइन बोलते हैं, और जो कम परास में सीमित होते हैं उनको हम स्टीनो हेलाइन बोलते हैं, ठीक है। नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी जो होती है स्टीनो हेलाइन है, वाइड रेंज सैलिनिटी है वो यूरो हेलाइन से, याद कर लीजिएगा इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग
फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत से अलवड़ीय जल प्राणी जो होते हैं समुद्र में, समुद्र के पानी में, और समुद्री प्राणी अलवड़ जल में, यानी कि जो सामान्य जल होता है अलवड़ जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते। यानी समुद्र के प्राणी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर के प्राणी जो होते हैं वो समुद्री जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि जो पराशरणीय जो क्रियाएँ होती हैं वो उनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।